सो गाइस अगेन फास्ट ट्रैक एक और वॉच लेके आ चुका है, फास्ट ट्रैक रिवोल्ट FS1+ करके, बड़ी डिस्प्ले के साथ, बस दैट्स इट। और फीचर्स क्या क्या हैं सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे। और लुक इस तरीके से मिलने वाला है, ऑब्वियसली बात है ये वो वॉच नहीं है, बट लुक इस तरीके से मैं ये दिखाना चाहता हूँ आप सभी को। लुक आपको इस तरीके से मिलेगा, यहाँ पे फ्लैट डिजाइन मिलेगा और ये आपको बटन इस तरीके से फ्लश्ड मिलेगी। और गाइस एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ आएगी, ये तो स्टेनलेस स्टील है मेरे पास, बट पॉलीकार्बोनेट आएगी फास्ट ट्रैक रिवोल्ट FS1+ बेसिकली, ठीक है। FS1 का मतलब है फास्ट ट्रैक, एस मतलब स्क्वायर और वन, तो FS1 तो पहले वाली थी, बट FS1+ जो है ये वाली बड़ी डिस्प्ले के साथ है। तो गाइज इसके सारे के सारे फीचर्स जानने के लिए, वैसे आप चैनल पे आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन कॉल कर सकते हो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम बहुत ही अच्छी अच्छी डील डालते रहते हैं, लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है। और ये वॉच सेल पे है गाइस, एकदम से आई, मतलब एकदम से सेल पे अभी ऑन फ्लिपकार्ट 2295 रुपए के प्राइस ब्रैकेट, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2300 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में। बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके आप बाय कर सकते हो वैसे, बट यहाँ पे आप सारे के सारे फीचर्स को जानते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। गाइज ये रही फास्ट ट्रैक की रिवोल्ट FS1+, ठीक है। FS1 का तो आपको मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू दे ही दिया था, आपको पता ही है, ठीक है। FS1 अच्छी थी बट उतनी अच्छी नहीं थी, लैग करती थी, मतलब स्टटर करती थी, UI लैगी था उसका, एक्यूरेसी अच्छी थी बट लैग करती थी बेसिकली। 1795 में लॉन्च की थी शायद, 1795 या 1695 ऐसे कुछ था FS1 का बेसिकली, अगर आपको पता हो तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कितने में लॉन्च हुई थी वो, और मैंने उसका रिव्यू कर रखा है। अब ये FS1+ आ चुकी है, इसमें क्या है कि मतलब डिस्प्ले बड़ी कर दिया, अब डिस्प्ले बड़ी कर दिया और कुछ चेंजेस हैं क्या वो जानना जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं जाना आपने और सीधे बाय कर ली तो इशू है, मतलब सबसे बड़ा इशू है, ठीक है। सुपीरियर 2.01 इंचेस अल्ट्रा UV डिस्प्ले, अब ये 2.01 इंचेस की डिस्प्ले कहाँ तक है, एज टू एज है क्या, क्योंकि यहाँ पे तो ब्लैक बॉर्डर दिखा रखे हैं, जब तक कोई इसको परचेज नहीं करेगा उसको पता नहीं चलेगा कितना ब्लैक बॉर्डर है, कितना इसमें स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, नीचे की साइड से बेजल्स हैं इसकी थिक मिलेंगी, ठीक है, ऊपर की साइड से आपको सिमेट्रिकल टाइप की होंगी, नीचे से थोड़ी सी थिक मिलेंगी आपको, ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि जो कंपनी दिखाती है शोकेस करती है उससे एकदम अलग होता है प्रोडक्ट जब आपके घर पे आता है, ठीक है। और 950 यूनिट्स की ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं, सनलाइट विजिबिलिटी बहुत ही बेटर होगी, 2.5D कर्व ग्लास के साथ ये वॉच है, तो ओवरऑल यहाँ पे लुक और फील अच्छा आएगा इसका, अल्ट्रा यूवी डिस्प्ले है तो सनलाइट विजिबिलिटी बहुत ही कमाल की रहेगी, FS1 से तो काफ़ी बेटर रहेगी इसमें, ठीक है। तो डिस्प्ले डिपार्टमेंट में मैं कहूँगा यहाँ पे टॉप काम किया गया है, और प्राइसिंग को भी ध्यान में रखते हुए 2300 रुपये में काफ़ी अच्छा है, मतलब जिस प्राइस में मतलब लॉन्च कराया इसने फास्ट ट्रैक ने तो अच्छा है। वैसे बेस्ट वैल्यू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तीनों ही कलर शेड्स की, 3 से 4 कलर शेड्स हैं, सारे के सारे कलर शेड्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, उससे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे रिजोल्यूशन कितना है, अब कंपनी ने बताया नहीं है यहाँ पे, मतलब 360 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है, 240 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है, तो गाइस रिजोल्यूशन आपको इसमें मिलेगा 240 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन, तो गाइस रिजोल्यूशन काफ़ी कम है, आप अपनी पिक को ऐसा वॉच के लगाओगे तो पिक्सल रेट जरूर होगी इसमें, ये ध्यान रखो आप, ठीक है। ब्राइटनेस लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं, पिक्सल साइज भी काफ़ी, मतलब पिक्सल साइज तो डाउन है, और पीक ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है, 2.5D कर्व ग्लास, सब कुछ अच्छा है, बट यहाँ पे पिक्सल साइज कम दे दिया इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की है, बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट कटिंग की है। सिंगल सिंक ब्लूटूथ कॉलिंग वॉच, तो यहाँ पे ये अच्छी बात है, मतलब फास्ट ट्रैक की हर वॉच में आपको सिंगल चिप कनेक्टिविटी मिलती है, तो इसमें भी नो डाउट वो आपको मिलता है, ठीक है। और क्वांटिटी भी आप यहाँ पे 50-100 तक सेव कर पाओगे, ये भी काफ़ी अच्छा होता है फास्ट ट्रैक की वॉचेस में। FS1 की बात करें, FR1 की बात करें, FS1 प्रो की बात करें, FR1 प्रो की बात करें, अब यहाँ पे मेन जो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं इसमें आपको, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सिंगल चिप ब्लूटूथ कॉलिंग है, नाइट्रो फास्ट चार्जिंग है, तो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, 1 से 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। 110+ स्पोर्ट्स मोड के साथ ये वॉच आएगी, और ऑटो स्ट्रेस मॉनिटर का ऑप्शन मिलेगा। हेल्थ मॉनिटर की बात करें, हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2 लेवल मॉनिटर और स्ट्रेस मॉनिटर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। स्लीप मॉनिटर और 200+ वॉच फेसेस, यस ये भी अच्छी बात है, और AI वॉइस असिस्टेंट भी है इसमें। अब मल्टीपल मेन्यू स्टाइल भी मिलेंगे, 4-5 मेन्यू स्टाइल देखने को मिल सकते हैं, वैसे मेरे ख्याल से 3 थे शायद फास्ट ट्रैक रिवोल्ट FS1 में बेसिकली। मल्टीपल मेन्यू स्टाइल और अलार्म वॉच से आप लगा पाओगे, ये अच्छी बात है, यस वॉच से आप लगा पाओगे। इनबिल्ट गेम्स मिल जाएंगे इसमें आपको, 3-4 गेम जरूर मिल जाएंगे इसमें। वेदर अपडेट्स आपको वॉच में इटसेल्फ मिल जाएंगे थ्रू द एप्लीकेशन, आप वहां पे लोकेशन जब परमिशन दोगे तो यहां पे वॉच में वेदर आपका शो करेगा। म्यूजिक कैमरा कंट्रोल, और इवन आप वॉच में सॉन्ग सुन पाओगे, यस आपको मीडिया ऑडियो ऑन ऑफ करने का ऑप्शन भी मिलेगा, सेटिंग में जाके आप मीडिया ऑन कर सकते हो तो आपके वॉच में सॉन्ग सुनाई देगी, सारे के सारे फोन के रिंगटोन आएंगे, बट अगर मीडिया ऑडियो ऑफ कर दोगे तो रिंगटोन नहीं आएंगे, आपके जो रील्स की वीडियो वॉइस है वो वॉच में नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद नोटिफिकेशन, सारे के सारे नोटिफिकेशन आपके आएंगे, बट नोटिफिकेशन लिमिटेड रहेंगे, ये ध्यान रखना आपको, मतलब अगर आपको 100 वर्ड्स का मैसेज आया तो 100 वर्ड्स का मैसेज नहीं शो करेगा, डॉट 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 आएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब बहुत सारे लोग मेरे से कहते हैं कि मैं प्रीव्यू बनाता हूँ और मेरे पास वॉच नहीं होती तो मैंने ऐसे बना दिया, तो गाइस देखो मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रखा है, FS1, FS1 Pro, FR1, FR1 Pro सबका अनबॉक्सिंग कर रखा है, ठीक है, इतना तो आइडिया हो जाता है।
जाता है कि मतलब कंपनी कौन सा वॉच लॉन्च कर रही है, उसमें क्या फीचर आपके लिए बेनिफिशियल हैं और कितने हद तक बेनिफिशियल हैं, और इंटरनल जो फीचर्स है वो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन में कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी बेटर हो जाता है आप सभी के लिए वॉच को बाय करना उसके लिए। उसी के साथ साथ 110 स्पोर्ट्स मोड, तो स्पोर्ट्स मोड भी ठीक है यहाँ पे, अच्छे खासे दिए गए, और साथ ही में यहाँ पे जो कह सकते हो ऑटो स्पोर्ट्स रिकॉग्निशन का कहीं भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। वैसे नैप्स रिकॉर्डिंग का भी यहाँ पे नहीं बता रखा है, जैसे कि आपको नैप्स रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ना FR1 और FR1 प्रो में ही मिलता है राउंड डायल वाली वॉच में, स्क्वायर डायल वॉच में नहीं मिलता है। आपकी FS1 या FS1 प्रो में भी नहीं था, तो FS1 प्लस इस वाली में भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। उसी के साथ साथ एडवांस हेल्थ मॉनिटरिंग, तो हार्ट रेट मॉनिटर यहाँ पे एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होगी, स्ट्रेस मॉनिटर की एक्यूरेसी अच्छी होगी, बट SP2 पे मैं आपको रिलाई करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप SP2 के लिए इसको वॉच को बाय करें। IP68 रेटेड है ये वॉच, ये भी आपको क्लियर कर दूँ, तो 1 मीटर टू 1.5 मीटर तक डीप पानी में 30 मिनट तक आप इसको सबमर्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, हैंड वॉश हैवी रेनिंग सब कुछ सब जगह चल जाएगी वॉच, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस और चीज़ों की बात करते हैं, 22mm आफ्टर मार्केट का आप इसमें स्ट्रैप लगा सकते हो, स्ट्रैप्स रिमूवेबल हैं, यस रिमूव कर सकते हो, और यहाँ पे सिर्फ ये पुश बटन मिलती है, यहाँ पे रोटेटेबल कोई भी एज सच ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे दो आपको दिख सकते हो, यहाँ पे होल्स दिख रहे होंगे, क्या ये मतलब एक्स्ट्रा माइक है क्या, नहीं गाइस ये सिंपल है, एक सिंगल माइक के साथ ही वॉच आएगी। लाउडनेस आपको अच्छी मिलेगी, FS1 से थोड़ी सी लाउडनेस बेटर मिलेगी। बैटरी बैकअप भी इसका 7 डेज का बोला गया कंपनी की तरफ से, वैसे ये 3 डेज तक आपकी निकाल देगी, 2.5 से 3 दिन ऑन कॉलिंग। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलेगा क्या, नो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे सिर्फ ये LCD TFT पैनल है 950 nits का, जो कि अच्छी खासी ब्राइटनेस लेके आता है, बट पिक्सल साइज में ये वॉच डाउन है, मतलब 240 pixels का रिजोल्यूशन है। तो गाइस मेरे ख्याल से 2300 रुपये आप दे रहे हो, तो पिक्सल साइज तो इनको इंप्रूव करना चाहिए था ना, 360 pixels का रिजोल्यूशन कम से कम देना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लैकिंग है इस वॉच में। दूसरा, इसमें कैलकुलेटर नहीं मिलता है, ये फ्लॉ है बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत सारे लोगों को कैलकुलेटर चाहिए होता है, इवन गेम्स ना भी हो, मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि गेम्स ना दे कंपनी, बट कैलकुलेटर जरूर दे, कहीं कहीं काम आता है, मतलब ऐसे सिनेरियोज में कहीं कुछ कैलकुलेट करना हो, काउंट करना हो, या प्लस करना हो माइनस करना हो, तो बहुत काम आता है, तो कैलकुलेटर होना चाहिए था। कैलेंडर एंटर तो मैं इतना वो नहीं करता, बट होता तो और भी बेटर था, बट अगर 2300 रुपये हम दे रहे हैं, तो इतने में आपको मार्केट में एमोलेड डिस्प्ले वाली वॉचेस भी अवेलेबल हैं। तो गाइस मेरे ख्याल से इसको आपको स्किप कर देना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आप फास्ट ट्रैक के नाम से लेना चाहते हो तो गो हेड, आप बाय कर सकते हो, सीधे इसको ग्रैब कर सकते हो। और एक चीज़ और बहुत ही इसमें मेरे को कह सकते हो वाहियात लगी, पॉलीकार्बोनेट बिल्ड इसका। गाइस ये गाइस यहाँ पे 2023 एरा है, यहाँ पे लोगों को बेस्ट बिल्ड क्वालिटी चाहिए, प्रीमियमनेस चाहिए। अब ये प्रीमियमनेस ही नहीं होगी वॉच में तो क्या फ़ायदा, इनकी जितनी वॉच लॉन्च करी इन्होंने FS1 FS1 प्रो FR1 FR1 प्रो सारी पॉलीकार्बोनेट, आई डोंट नो यहाँ पे मेटल देने में क्या दिक्कत है इनको, तो ये मेरे को बहुत ही बेकार लगा। इन पर बिल्ड क्वालिटी इसकी मेटेलिक होनी चाहिए थी तो काफ़ी बेटर था, बट 2300 रुपये में मैं इस प्राइस ब्रैकेट में इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। इसका प्राइस मेरे ख्याल से 1695 जो पुरानी वॉच की तरह होता तो काफ़ी बेटर था, बट अगेन सिर्फ डिस्प्ले साइज बढ़ा देना और सेम फीचर सारे के सारे चेप देना पुरानी वाली वॉच से लेके FR1 से, तो वो वर्थ नहीं है, क्योंकि FR1 और इसमें एक भी अंतर नहीं है, एक्स्ट्रा एक भी डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट डिट्टो आइडेंटिकल है, डिट्टो सिमिलर ये वॉच बन जाती है। FR1 इक्वल टू FR1 प्लस, बस डिस्प्ले आप थोड़ा सा बड़ा कर दो, चौड़ा कर दो, पीक ब्राइटनेस बढ़ा दो, दैट्स इट, आपको वही फीचर हम दे रहे हैं, तो ये किया है फास्ट ट्रैक ने, ठीक है। तो गैस ये सिंपल सा अलर्ट वीडियो था आप सबके लिए, अलर्ट हो जाओ, इसको बुक करना थोड़ा सा स्किप कर दो, कोशिश करो फास्ट ट्रैक की, और कोई वॉच लॉन्च हो जिसके साथ मेटेलिक बिल्ड के साथ आए प्रीमियम लगे उसको आप प्रेफर करो, मैं इसके लिए रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रीव्यू था, वैसे चैनल पे आके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, इस तरीके के अलर्ट वीडियो आप सबके लिए बनाते रहता हूँ। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।